उत्तरकाशी जिले से खबर है जहां प्रशासन एवं खाद्य पूर्ति अधिकारी ने राशन कार्ड से जुड़ी एक बड़ी समस्या का खुलासा किया। बता दें कि उत्तरकाशी में काफी समय से आधार से लिंक न कराए जाने के कारण राशन कार्ड धारकों के कार्ड में कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसको लेकर खाद्य पूर्ति अधिकारी संतोष भट्ट ने कहा कि काफी समय से राशन कार्ड बनाने में लगातार दिक्कतें आ रही थी, जिसको देखते हुए काफी समय से बंद राशन कार्ड को राशन पोर्टल से हटा दिया गया है। कई बार राशन कार्ड धारकों को आधार से लिंक करने को कहने के बावजूद अब तक किसी तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली, जिसके चलते उत्तरकाशी के डांट क्षेत्र में 20 राशन कार्ड को पोर्टल से हटा दिया गया। संतोष भट्ट ने बताया कि 25,000 राशन कार्ड अब तक ऑनलाइन नहीं कर सके हैं, इसलिए जल्द ही राशन कार्ड सत्यापन का आदेश शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि जरूरतमंद राशन कार्ड का उपयोग कर सके। बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों को अब राशन कार्ड वेरीफाइड करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाली लोगों के सभी राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। इस संबंध में हमारे आयुक्त कार्यालय से भी हमें निर्देश मिले हैं कि हमारे जनपदों में कुछ ऐसे राशन कार्ड हैं जो अपने आधार अभी तक विभाग में जमा नहीं कराए गए हैं, जबकि हम इस संबंध में लगातार काफ़ी लंबे समय से उपभोक्ताओं से उनके आधार मांग रहे हैं ताकि कार्ड को वेरीफाइड एंड अप्रूव किया जा सके। वर्तमान तक भी हमारे पास राज्य खाद्य योजना में लगभग 3,000 और सफ़ेद कार्डों में 2,000 और अंत्योदय में लगभग 500 कार्ड ऐसे हैं जिनके अभी हमारे पास आधार नहीं आए। तो इन कार्डों में आधार वैलिडेशन की प्रक्रिया के लिए हमने इस समय अभियान चलाया हुआ है और इसमें जो अपने आधार नहीं दे रहे हैं और बोगस राशन कार्ड हमें प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे सभी राशन कार्डों को हम ऑनलाइन पोर्टल से डिलीट कर रहे हैं। अभी जो प्रक्रिया में हमने डामटा क्षेत्र के लगभग 144 कार्ड हमने जो हैं राज्य खाद्य योजना के वो पोर्टल से हटा दिए हैं। अन्य जन गोदामों में भी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जो भी अनस्कैन और बोगस राशन कार्ड होंगे उन्हें सबको हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और विदेशी मूल के जो नागरिक जनपद में निवासरत हैं इनके संबंध में आसूचना ब्यूरो से और जिलाधिकारी महोदय से भी निर्देश प्राप्त हुए थे, उसमें भी हमने 20 राशन कार्ड नेपाली नागरिकों के जो यहाँ बने हुए थे पूर्व से ही उन्हें पोर्टल से डिलीट कर दिया।